और यहाँ पे हमारे पुलिस वाले भाई साहब भी फुल मचाते हुए इंशा करूंगा करूंगा भाई करूंगा, कोई नहीं कोई नहीं। चलो भाई लोग जिद कर रहे हैं भाई कि यार डांस कर लो थोड़ा सा, चलो फिर थोड़ा कर ही लेते। हेलो सबको मेरी तरफ से सलाम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे सब लोग, एक बार फिर से मेरे व्लॉग में आपका सबका स्वागत है। तो आज कुछ इस तरह की लोकेशन से हमारा व्लॉग जो स्टार्ट होने वाला है। आगे एक भाई आ रहा है, जेके व्लॉगर भाई, तो आज उसके साथ एक और व्लॉग होने वाला है। अपनी रानी जो यहाँ पे खड़ी हुई है, आज 26 जनवरी है। तो आज सुबह सुबह मौसम बहुत ख़राब था, लेकिन अभी जो आप देख सकते हो थोड़ा सा धूप निकल आई, तो व्लॉग बनाने का सोचा कि बना लें। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आगे अपना एक भाई वेट कर रहा है, शायद मुझे वेट करना पड़े या वो वेट कर रहे हैं, वो लडूरा में वेट कर रहे हैं। तो वहाँ जाके मिलते हैं पहले उससे। भाई काफ़ी टाइम के बाद ना हमारे साइड से ना बादल छा गए थोड़े से, यार हल्की सी बारिश भी हो गई थी काफ़ी टाइम बाद, लेकिन भाई सब ना बर्फ़ के इंतज़ार में है भाई। अल्लाह आप करे कि बर्फ़ भी जल्दी से गिर जाए, अल्लाह से यही दुआ है कि थोड़ा सा बर्फ़बारी करे यार। ये रोड कभी ठीक नहीं होने वाला, हमेशा ये रोड ऐसी थी यहाँ पे यार, इसका कोई कुछ नहीं करता। आज रोडों में भी बहुत ज़्यादा स्लिप होगी, तो आराम से चलना पड़ेगा। कैसा है भाई? बढ़िया, बस मौसम सही है ना। तो फाइनली हमारा मीटअप हो गया इस वाले लोकेशन पे, इसको लडूरा बोलते हैं हम। तो यहाँ से अभी हमें हाईवे टच करना पड़ेगा, वहाँ से थोड़ा रोड सही भी मिल जाएगा। अभी आज ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होगा, ट्रैफिक तो कम ही दिखेगा आपको। एक्चुअली 26 जनवरी आज, तो बिस्मिल नगर के यहाँ से निकलते हैं अब। आज के हर एक ब्लॉग में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है मेरे साथ, कभी माइक कनेक्ट नहीं हो पाती है एंड कभी मेरा कैमरा ऑफ हो जाता है। भाई पता नहीं क्या से आ पाए, जब तक गोप्रो नहीं आता यार तब तक तो ये सीन तो होते ही रहेंगे भाई। एंड अपना जेके ब्लॉगर भाई निकल पड़ा थोड़े से मोशन में, अभी हम ठंडे पड़े हैं। और यहाँ पे हमारे पुलिस वाले भाई साहब, सर इधरी अल्सफा कॉलोनी और ये सुलू से, ये बंदी अभी हमने स्टार्ट नहीं किया फास्ट। सर आप देख रहे थे सर, अब नहीं हम जा रहे हैं ऐसे छोटा मोटा व्लॉग शूट करने उस वाली साइड थोड़ा इधर ही। अच्छा बोल सुलू, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सारा डॉक्यूमेंट्स बैग में होता है। थैंक यू सर। जो हमारे यहाँ पे पुलिस वाले भाई साहब थे, तो इनको हमने समझाया भाई हम कोई गलत नहीं कर रहे, हमारी स्पीड बहुत कम थी, हम तेज़ नहीं चल रहे थे। चलो फाइनली छोड़ दिया इन्होंने, अच्छी बात है। थोड़ा सा हाई पर पावर अनलिमिटेड R&5 किंग भाई, इसमें तो पकाने में बहुत मज़ा आता है यार। ऊपर से जो एग्जॉस्ट है इसकी वजह से कुछ और ही फीलिंग आती है भाई। मिडिल क्लास वाले बंदों को पता होगा यार इसकी कितनी वैल्यू है, ये जान है यार मिडिल क्लास वालों की। यार हम भी मिडिल क्लास ही है भाई, हमारे पास यही है। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी में ग्रो कर पाए तो इंशाल्लाह सुपर बाइक भी ले लेंगे। अभी तो यही रानी अपना साथ दे रही है, बारिश हो रही है, लेकिन इस बार बारिश तो होनी चाहिए यार। बारिश नहीं होगी तो भाई भूखे मर जाएंगे। और ये जो जगह है खानपुरा, यहाँ पे मेला लगता था, पता नहीं आज लगता है। जब हम छोटे थे तो हम यहाँ पे आते थे मेले में, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, हमारा झूला वगैरह सब कुछ होता था यहाँ पे, मिठाइयाँ हर एक चीज़ मिलती थी, बहुत रश होता था यहाँ पे। लेकिन अब पता नहीं यार, काफ़ी टाइम से मैंने अब नोटिस नहीं किया, अब लग रहा नहीं लग रहा, लेकिन पहले तो सही मेला लगता था यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था यहाँ पे। तो ये पहुँच गए हम अपनी शीरी मार्केट में, तो यहाँ से अपनी बाइक का पेट्रोल फिल कर देते हैं। अभी पता नहीं ये भाई साहब तो कोई नहीं इधर, तो पूछा दरिया बनाओ आपको तो बहुत अगर नशीन पे ना स्किन इसे व्यवस्थित सॉरी खराब कहाँ कैसे खैस नहीं हो हतस बस इस दुआ सही सही चलो खुदा दी सर हिदायत। क्या बोलते हो भाई लोग, हाइपर स्टार्ट ओके। लेकिन यहाँ पे जो ये स्पीड ब्रेकर है यहाँ से तो पहले धीरे धीरे ही चलना पड़ेगा। नाउ हाइपर राइड स्टार्ट
भी बहुत कम है, इतना कम तो कभी मैंने नहीं देखा पानी होते हुए, क्योंकि जब यही सीन है ना कि बारिश नहीं पड़ रही है, बर्फ़ नहीं हो रही है। चलो यहाँ से तो थोड़ी सी पड़ी है, ये देखो आप रोड की हालत देख सकते हो, पूरा गीला है रोड। आपने हमारी वाली साइड देख लिया था, वहाँ पे तो रोड भी अब सूख गए हैं, इंसानों के अपने कर्म है। तो पहुँच गए हम गांटमली, यहाँ पे शायद होटल खुला होना चाहिए। ये जो है जगह, ये बहुत फेमस जगह है, यहाँ पे आप चाय पी सकते हो, कुछ भी खा सकते हो और बहुत ही टेस्टी। यहाँ से श्रीनगर कोई 70 किलोमीटर दूर है, श्रीनगर से यहाँ पे आते बंदे रोटी लेने के लिए खास है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे रोटी हर तरह की मिल जाएगी, बकर खानी, ये वाली पफ वाली बकर खानी, गिरदे वगैरह सब कुछ। भाई कुछ इस तरह का चाय का गिलास है, आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू बाकी के क्वान्टिटी कितनी ज़्यादा है चाय में। हर जगह आपने देखा होगा कि छोटे छोटे गिलासों में चाय देते हैं, यहाँ पे आपको चाय की क्वान्टिटी भी ज़्यादा मिलेगी। तो फाइनली गाइस चाय शाय हमारी हो गई, पेट पूजा हो गया, तो अब यहाँ से आगे का राइड। अभी आप मौसम देख लो यार, खतरनाक डेंजरस, हमारे साइड तो थोड़ी धूप थी। तो गाइस हमारा सीन क्रिएट हो गया था, आर्मी वालों ने बुलाया था हमें, बोला था कि ऐसे ऐसे शूट क्यों कर रहे हो। तो वहाँ पे हमारा जो कैमरा था बंद हो गया था, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे कैमरा अपना बंद कर लो, जहाँ पे भी आपको फौजी एरिया दिखे तो वहाँ पे व्लॉग बनाना अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। तो वहाँ से हमने बंद किया था, अब हम कुछ इस तरह की लोकेशन पे हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से अपना व्लॉग। यहाँ से आप देख सकते हो पूरा व्यू काफ़ी सुंदर लग रहा है, और हल्के हल्के जो बादल भी है जो टच हो रहे हैं पहाड़ियों से, तो काफ़ी प्यारा लग रहा है। कैमरा तो उतना नहीं बताता जितनी हमारी आंखें बता रही है अभी। तो यहाँ से अब हम कंटिन्यू कर लेते हैं आगे का व्लॉग। तो यहाँ पे आपको दिखा देंगे आपको कि जहलिम का पानी जो है, ये देख सकते हो आप जहलिम का पानी, ये देखो आप नीचे पूरा नज़ारा देख लो। पानी तो थोड़ा सा रहेगा, ये आपको अपना जहलिम है, जो अपना जहलिम है ना ये वही है, नाला बन चुका है यार, ये देख सकते हो आप, पत्थर सारे बाहर आ चुके हैं। ये देख लो भाई, काफ़ी प्यारी लोकेशन, पहाड़ों से अलग ही प्यार है यार। हाय हाय देखो भाई, फुल पावर। ओहो ये तो ऑफ रोड हो गया यार, रिले शिले तो यहाँ पे बढ़िया बन जाएंगी आपकी, अगर किसी को रिले वगैरह बनानी हो तो ये साइड तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे ना ट्रैफिक ही ज़्यादा है, नहीं यहाँ पे ना पानी दिखने को मिला भाई, क्योंकि यहाँ पे ना पानी जमा हो जाता है इसलिए यहाँ पे इतना पानी है, वरना तो आपने देखा था जहलिम का हाल कैसा था। ओह फुल पावर में बड़ा मज़ा आता है चलने में भाई, लोकेशन देख लो यार, कहर बोलते हैं ना, कहर कहर लोकेशन है यहाँ पे। यहाँ से सीधा ऑफ रोडिंग बाइक जाएगी ऊपर, देखते हैं जा पाएगी नहीं जा पाएगी। ओ भाई ये थोड़ी आर्न भाई हमारी मानती है। ओ माई गॉड ऑसम नज़ारा भाई, यहाँ पे आप बैठ भी सकते हो, रेस्ट भी ले सकते हो, सारे बेंच वगैरह लगे हुए यहाँ पे भी लगे हुए, और उस वाली लोकेशन भी पूरा लगा हुआ है। तो आप बता देना आपको ये जगह कैसी लगी। ये अपनी जो दो घोड़े हैं खड़े हैं, एंड मेरा ग्लोव नीचे गिरा हुआ है। चलो पहले इसी को उठा लेते हैं। अपनी रानी का जो फ़ैन है अभी चल रहा है, क्योंकि इसका पता ही ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, इसका फ़ैन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। फ़ैन भी जब इंजन को ठंडा कर देगा उसके बाद हम बाइक को बंद कर देंगे, चाबी खोल देंगे और जेब में डालेंगे। तो गाइस हमारी तरह एक और भी भाई लोग आए हैं फुल मचाते हुए, जो इंडिया के परचम है सब पे लगा हुआ है, गाड़ियों पे पीछे देख सकते हो आप, इस पे भी लगा हुआ है, इस पे भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये भी हमारी तरह इंजॉय करने आए हैं, चाहे डांस वांस हो जाए तो हम भी थोड़ा इंजॉय ले लें, काफ़ी मज़ा। और सब भाई हाई कर रहे हैं, ये देखो भाई फुल मचा रहे हैं, सारे लोग मिलके मचा रहे हैं भाई। तो भाई यहाँ पे पूरा क्राउड के साथ नहीं सोचा था कि इतना मज़ा आने वाला है, तो यहाँ पे भाई लोग भी सारे आ चुके हैं, तो ये भी फुल मचाते हुए इंचा करूँगा करूँगा भाई करूँगा, कोई नहीं कोई नहीं। भाई लोग जिद कर रहे हैं भाई कि यार डांस कर लो थोड़ा सा, चलो फिर थोड़ा कर ही लेते।
गाइस यहाँ पे मजा आ गया। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ब्रो, जितने भी सबको देखेंगे भाई को सपोर्ट करो, भाई को फॉलो करो, इसको थैंक यू भाई को। और मेरी चैनल भी फॉलो करना, वही उस्मान के व्लॉग्स। हाँ तो भाई का भी चैनल है तो जाके फॉलो करो उस्मान के व्लॉग्स। तो यहाँ पे फुल पावर में सारे अभी डांस कर रहे, मैंने भी थोड़ा बहुत कर लिया क्योंकि भाई लोगों ने बोला कि यार थोड़ा आप भी कर लो, तो मैंने भी कर लिया। तो यहाँ पे फुल लाउड एंजॉय हो रहा है, फुल पावर में भाई, पूरा डीजे सिस्टम बास ट्यूब लगा हुआ है गाड़ी में। एंड यहाँ पे भाई लोग सारे एंजॉय करने आए रिपब्लिक डे बनाने के लिए। चलो अच्छी बात है भाई, अभी भी है इंडियन के जो सपोर्टर है बहुत सारे हैं, ये बीजेपी के साइड से हैं सारे, बीजेपी के। हाँ जी, और मैं आपसे जितने भी इसके फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई को सपोर्ट की जरूरत है, भाई को बहुत ज्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू भाई, क्योंकि हम अपने कश्मीर को बहुत ही आगे पहुँचाएंगे, प्रमोट करेंगे। जब आप लोग साथ दोगे इसका, तभी भाई आगे जाएगा, इसका हौसला आगे बढ़ेगा, इसका जिगर बढ़ेगा, जब आप लोग इसको सपोर्ट करोगे। सही बात, सही बात भाई। हो तो हम है, आप नहीं हो तो हम भी नहीं है। सही बात, थैंक यू भाई। साल यहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत रही क्योंकि उनका खानदानी राज था, पहले फारूक अब्दुल्ला साहब थे, उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब थे, अब उमर अब्दुल्ला साहब को लगा था मैं अपने बेटे को लाऊंगा, क्योंकि अब सीएम जो भी कश्मीर का आएगा वो एक गरीब आदमी होगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमने बहुत जुल्म देखा। कांग्रेस पीडीपी ये अपने घर बना रहे हैं, और क्या, ये ट्रांसफार्मर की तरह है, कभी कब जलेंगे किसी को कुछ पता नहीं। यहाँ पे बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार रहेगी, बीजेपी सरकार जिंदाबाद। Let's live. भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अच्छे हैं, इसको सपोर्ट करो, ये थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, दिल से भाई, लव यू, थैंक यू भाई, लव यू ऑल। तो पहले तो मजा नहीं था, लेकिन अब जब भाई सारे आ गए तो मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यार। थोड़ा नाच नूच सारे नाच रहे, ये देखो भाई फुल फॉर्म में फुल पावर। ओए होए, क्या भांगड़ा हो रहा है भाई, दिल करता है कि मैं भी नाचूं भाई, तगड़ा भांगड़ा हो रहा है यार, सही वाला एकदम फुल पावर। तो गाइस बता देना आप ये वाला व्लॉग आपको कैसा लगा, लोकेशन कैसी लगी, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। तो आपको मिलते हैं अगली व्लॉग में, तब तक के लिए सबको खुदा हाफिज।